लोकसभा चुनाव में बीजेपी ने हर बूथ पर 370 से अधिक वोट का लक्ष्य रखा है। भाजपा के इस लक्ष्य पर ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के सदस्य चरण सिंह सपरा ने निशाना साधा है। उन्होंने भाजपा के लक्ष्य को चुनावी जुमला बताया है। चरण सिंह सपरा ने कहा कि बीजेपी हर चुनाव के पहले लक्ष्य की बात करती है। तमिलनाडु के चुनाव में उन्होंने 118 पार का लक्ष्य रखा था, लेकिन मिली केवल 4 सीटें। इसी तरह पश्चिम बंगाल में उन्होंने 200 पार की बात कही थी और 77 सीटों पर ही सिमट कर रह गए। हिमाचल में कहा था कि 45 पार मिलेंगी, मिली 25 सीटें। उन्होंने कहा भाजपा की फितरत है इस तरीके की घोषणा करना, लेकिन कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जमीन स्तर पर उतरकर काम करना चाहता है। देखिए, बीजेपी के लक्ष्य तो मैं आपको अनेक लक्ष्य बता सकता हूँ कि हर चुनाव के पहले वो इस तरह की बातें करते हैं। तमिलनाडु का चुनाव था, उन्होंने कहा था कि 118 पार, मिली कितनी 4 सीटें। पश्चिम बंगाल में उन्होंने कहा था कि 200 पार, मिली कितनी 77 सीटें। हिमाचल का चुनाव आया, उन्होंने कहा 45 पार, मिली कितनी 25 सीटें। छत्तीसगढ़ में जो पिछला चुनाव हुआ था 2018 में, तब भी उन्होंने इसी तरह की कोई घोषणा की थी, मिली थी कुछ उनको 15 सीटें। तो भारतीय जनता पार्टी की ये फितरत है, इस तरह की घोषणाएं करते हैं। कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता जो है वो जमीनी स्तर पर उतर के काम करना चाहता है। जनता के मुद्दों को लेकर के हम जनता की अदालत में जा रहे हैं। आप देख रहे हैं दखल न्यूज़।